छिंदवाड़ा जिले के चोरई में मंगलवार की दोपहर नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित चौरसिया ने मीडिया को जानकारी देकर बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार चोरई वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस जिला प्रभारी नेहा सिंह, पर्यवेक्षक अशोक तिवारी और विधायक सुजीत सिंह चौधरी की उपस्थिति में घर घर चलो कांग्रेस महाअभियान की शुरुआत की गयी, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारियों की उपस्थिति में वर्तमान सरकार द्वारा जन विरोधी नीतियों से जनता को अवगत कराकर 15 माह की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जनहितैषी नीतियों से रूबरू कराया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने लोगों को प्रोत्साहित कर समस्या सुनकर क्षेत्रीय अधिकारियों से बात कर निराकरण किया गया। कांग्रेसियों ने सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराने के लिए हर घर चलो और घर घर चलो वाली हल्ला बोल रैली निकाली, जिसमें लोगों को बताया गया कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने जन हित का कार्य किया, लेकिन वर्तमान सरकार 15 साल से है, लेकिन उसने क्या किया ये सब आम जन जानते हैं। अभी महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इस प्रकार कई तरह से कांग्रेसियों ने सरकार पर आरोप लगाया है। इस दौरान क्षेत्रीय कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश में हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के द्वारा घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इसी तारतम्य में हमारे चौरई विधानसभा क्षेत्र में भी हम सब वरिष्ठ लोग चौरई के वार्ड नंबर 1 से हमने इस अभियान की शुरुआत की। घर घर जाकर माननीय कमलनाथ जी जो 1 साल 1.25 साल मंत्री थे, उनके द्वारा जो कार्य किए गए जनता के हित में, उन सब कार्यों को हम प्रत्येक लोगों को बता रहे हैं। साथ में भाजपा कि जो अभी वर्तमान सरकार है, ये जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो भाजपा सरकार की नाकामी है, उसको भी हम घर घर तक पूरी जनता में पहुंचा रहे हैं। चोरी से BCN न्यूज के लिए संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।